गुड मॉर्निंग। आगे हम बात करेंगे अध्याय 24 में हृदय के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ लिया था, RH फैक्टर के बारे में भी हमने जानकारी दे दी थी, रुधिर वाहिनियों के बारे में भी हमने पढ़ा था, रुधिर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है और रुधिर कणिकाओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में और हृदय के बारे में हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हार्ट जो एक बहुत ही आवश्यक अंग है सभी जीवों का, स्पेशली ह्यूमन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसके बेस पे ही मनुष्य अपनी डेली की एक्टिविटीज को अंजाम देता है। हार्ट हृदय क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मानव का जो हृदय है वो मांसपेशियों से बना हुआ अंग है, ध्यान देना, मांसपेशियों से मतलब मसल्स से या मस्कुलर ऑर्गन हम इसे कह सकते हैं। तो मानव हृदय क्या है, एक पेशीय अंग है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है और मानव हृदय की उत्पत्ति या हृदय की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हृदय जो है एक मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। हृदय की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। हृदय जो है बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है, बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है या त्रिभुजाकार होता है। आगे हम बात करते हैं कि हृदय का वजन कितना होता है। तो हृदय का वजन सभी में अलग अलग होता है, मेल में अलग, फीमेल में अलग, चाइल्ड में अलग, लेकिन हम एवरेज की बात करें तो हृदय का वजन 225 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। 225 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक हृदय का वजन होता है। अगली हम बात करते हैं हृदय के बारे में कुछ बहुत ही आवश्यक जानकारियां जो हमने नहीं सुनी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी। हृदय जो है एक मिनट में 4.7 लीटर, ध्यान देना, हृदय एक मिनट में 4.7 लीटर रुधिर को पंप करता है। सेकंड बात आप हृदय के बारे में देखते हैं कि हृदय एक दिन में 7600 लीटर रक्त को पंप करता है। देखिए हृदय के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहला है कि हृदय का वजन सभी में अलग अलग होता है, 225 ग्राम से 350 ग्राम तक का। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि हृदय एक मिनट में 4.7 लीटर पंप रुधिर को पंप करता है। सेकंड बात मैंने कही हृदय के बारे में कि हृदय एक दिन में 7600 लीटर रक्त को पंप करता है। अगली बात हृदय के बारे में जानते हैं, पूरे जीवन काल में हृदय लगभग 200 मिलियन लीटर रक्त पंप कर देता है। मतलब किसी भी मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में हृदय द्वारा लगभग 200 मिलियन लीटर रक्त को पंप कर दिया जाता है, या यूं कहें कि मानव के एक जीवन काल में लगभग 16 करोड़ लीटर रुधिर हृदय के द्वारा पंप कर दिया जाता है। अगली बात हम हृदय के बारे में करते हैं कि हृदय एक धड़कन में एक बीट जैसे ही जो हृदय की होगी, संकुचन और शीतलन या प्रकुचन जैसे ही एक बीट होगी, एक धड़कन में 70 ml रक्त हृदय के प्रकोष्ठों के द्वारा या हृदय द्वारा पंप किया जाता है। ध्यान देना, एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप किया जाता है और एक धड़कन 0.8 सेकंड का समय लेती है। हृदय की एक बीट में 0.8 सेकंड का समय लगता है और हृदय एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, यानी कि एक मिनट में हृदय द्वारा बेहतर धड़कने उत्पन्न की जाती है या धड़कने या बेहतर बार धड़कता है या 72 बीट्स 1 मिनट में होती हैं। तो एक बीट के लिए एवरेज
टाइम होगा 0.8 सेकेंड। तो हृदय एक धड़कन में 70 ml रक्त को पंप करता है और वो टाइम ड्यूरेशन कितना है 0.8 सेकेंड के अंदर। अगली हम आर्ट के बारे में बात करते हैं, रोजाना हृदय इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, ध्यान दीजिएगा, रोजाना हृदय इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि एक ट्रक को 32 किलोमीटर तक चलाया जा सके। रिपीट अगेन कि रोजाना हृदय इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि एक ट्रक को 32 किलोमीटर चलाया जा सके। और मानव के संपूर्ण जीवन में हृदय द्वारा इतनी ऊर्जा उत्पन्न की जाए कि चांद पर जाने के बराबर, मतलब पृथ्वी से चांद तक हम चले जाएं, इतनी ऊर्जा हमारे हृदय द्वारा मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में उत्पन्न कर दी जाती है। अगली बात हम हृदय के बारे में करते हैं कि हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। अगली हृदय की हम बात करते हैं, क्योंकि हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 टाइम्स। एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। दोबारा सुनना, हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है, एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है, जबकि जीवन में, संपूर्ण जीवन में 2.5 अरब बार हृदय धड़कता है। अगली हृदय की बात हम करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हृदय के बारे में, कि हृदय शरीर की सभी 75 ट्रिलियन कोशिकाओं को, बड़ा ही डिफिकल्ट टाइप्स का ये क्वेश्चन है, हृदय शरीर की सभी 75 ट्रिलियन कोशिकाओं को खून भेजता है, या यूं कहें हृदय के द्वारा संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं को रुधिर भेजा जाता है, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 75 ट्रिलियन। लेकिन शरीर में एक अंग ऐसा है जिसको रुधिर नहीं पहुंचता हृदय के द्वारा, और वो अंग है आंख का कॉर्निया। आंख में जो कॉर्निया भाग है, उस भाग को छोड़कर हृदय संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं को रुधिर भेजता है। अगली बात हम करते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है वो अरोटा है, और अरोटा की मोटाई गार्डन में लगे हुए पाइप के समान होती है। गार्डन में पाइप इतना मोटा होता है लगभग, तो इतनी मोटी पाइप जो है उतनी मोटाई अरोटा की होती है, और अरोटा जो है सबसे बड़ी धमनी होती है मानव शरीर की। अगली बात हम हृदय के बारे में करते हैं कि हृदय के खून को शरीर से बाहर, देखो अभी हृदय जो है वो रुधिर को शरीर के अंदर ही पंप कर रहा है, अगर उस रुधिर को शरीर के बाहर हृदय द्वारा पंप करवाया जाए तो हृदय द्वारा उस रुधिर को लगभग शरीर से बाहर 30 फीट तक, यानी 30 फीट की ऊंचाई तक फेंक देगा। यूं कहें कि अगर हृदय शरीर के अंदर की बजाय हृदय शरीर कि रुधिर को बाहर पंप करे तो लगभग 30 फीट की ऊंचाई तक उस रुधिर को फेंक सकता है। तो हृदय खून को शरीर से बाहर 30 फीट तक पंप कर सकता है या फेंक सकता है। अब हम बात करेंगे हृदय की बाह्य संरचना के बारे में, कि हृदय बाहर से कैसा दिखाई देता है, किस किस का बना होगा, कौन कौन से आवरण होंगे, और हृदय की सुरक्षा किस प्रकार से होती है। देखिए, तो हृदय की बाह्य संरचना में हम देखते हैं, बाह्य संरचना, हृदय दोनों फेफड़ों के मध्यावकाश में स्थित होता है। किसी ने कहा कि हृदय राइट में स्थित होता है, कोई कहता है हृदय लेफ्ट में स्थित होता है, नहीं, मैं कहता हूं कि जो हृदय है वो दोनों फेफड़ों के बी सेंटर में सिचुएटेड होता है। ध्यान देना, हार्ट के बीच, हार्ट जो है दोनों लंग्स के बीच में, फेफड़ों के बीच में स्थित होगा, और जो हृदय जिस साइड में स्थित होगा उस साइड वाला जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि वहां पर हृदय के लिए सिचुएटेड होने के लिए, स्थित होने के लिए जगह चाहिए होती है। तो मैंने क्या कहा कि हृदय दोनों फेफड़ों के बीच जो अवकाश है, ध्यान देना, इधर मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, हमने ये
फेफड़े हमने बनाए हैं देखिए, और ये जो श्वसनिकाएं हैं, ये श्वसनिकाओं बच गई, इन दोनों के बीच में जो जगह है यहां पर हृदय स्थित होता है। तो ध्यान देना हृदय ना राइट में होगा, हाँ कह देते हैं कि हृदय लेफ्ट साइड में होता है क्योंकि ये इस साइड में झुका हुआ रहता है, बाईं ओर बाईं फेफड़े की ओर झुका हुआ रहता है, इसलिए बाईं साइड में हम इसे कह सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार हृदय जो है दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े दोनों के बीच में जो जगह है उसमें स्थित होता है। तो आगे देखिए, हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य अवकाश में स्थित होता है। भाई संरचना पढ़ रहे हैं हृदय की, आगे बात करते हैं हृदय के बारे में, बाहर से कैसे दिखाई देगा। इसकी आकृति त्रिभुजाकार या बंद मुट्ठी के समान होती है। अगली बात हम हृदय के बारे में करते हैं कि हृदय दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण उपस्थित होगा और उस आवरण को परिहृदय आवरण झिल्ली कहते हैं। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होगा अंदर और बाहर दोनों तरफ से, और उस झिल्ली को परिहृदय आवरण झिल्ली कहते हैं। अगली बात करते हैं हृदय की बाह्य संरचना में, हृदय परिहृदय आवरण गुहा में स्थित रहता है। ध्यान देना, हृदय जो है परिहृदय आवरण गुहा में स्थित होगा तथा परिहृदय गुहा में जो द्रव भरा होगा उस द्रव को परिहृदय आवरण द्रव कहा जाता है। ध्यान देना कि हृदय परिहृदय आवरण गुहा में स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होगा? परिहृदय आवरण गुहा में, तथा इस गुहा में भरे द्रव को परिहृदय आवरण द्रव कहा जाता है। अगली बात करते हैं कि हृदय आवरण व द्रव, देखो परिहृदय आवरण व परिहृदय द्रव ये दोनों क्या करते हैं हृदय के लिए। तो देखिए, हृदय आवरण व द्रव हृदय को नम बनाए रखते हैं, बाहरी आघातों से सुरक्षा करते हैं तथा हृदय स्पंदन के समय दूसरे अंगों के घर्षण से बचाते हैं। तो ध्यान देना कि परिहृदय जो द्रव आवरण है वो और परिहृदय आवरण झिल्ली जो है ये दोनों हृदय को नम बनाए रखती हैं तथा बाहरी आघातों से सुरक्षा करती हैं तथा हृदय स्पंदन के समय जो अंगों का घर्षण लगता है उस घर्षण से हृदय को बचाती हैं। ये तो भाई ये संरचना हमने देखी। अब बात करते हैं आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना, अंदर से जब हम देखते हैं तो हृदय हमें चार पोस्टों में डिवाइड दिखाई देता है या चार भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, या यूं कहें कि आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हृदय जो है एक डबल मंजिल के रूप में दो कमरों वाली बिल्डिंग दिखाई देता है, ऊपर दो कमरे नीचे दो कमरे, डबल मंजिल के रूप में हमें दिखाई देता है। या यूं कहें मानव का हृदय चार कोष्ठी होता है, ऊपर के दो कोष्ठ आलिंद होते हैं और नीचे के दो कोष्ठ निलय होते हैं। ऊपर ये दो कोष्ठों को आलिंद कहा गया है, दायां आलिंद बायां आलिंद, निलय के जो नीचे के जो कोष्ठ हैं उन्हें दायां निलय और बायां निलय कहा जाता है। अब पहले हम बात करते हैं आलिंदों की, कि आलिंद दो हैं जो ऊपरी कोष्ठों में स्थित हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। देखिए आलिंद के बारे में पढ़ते हैं हम, ऊपर के दोनों कोष्ठ लिसन, ऊपर वाले दोनों कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं, दायां और बायां दोनों आलिंदों के मध्य, ध्यान देना ये दायां आलिंद है ये बायां आलिंद है, दोनों आलिंदों के बीच एक कपाट उपस्थित होगा या एक पट उपस्थित होगा जिसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इनके मध्य, किनके मध्य? ऊपर के दोनों कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं, इनके मध्य एक कपाट अंतरा आलिंद पट स्थित होता है जो इनके मध्य रुधिर का आदान प्रदान नहीं होने देता। तो देखिए, दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है महाशिराओं द्वारा, जबकि बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा। अगर शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिल जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है, कोशिकाओं तक शुद्ध रुधिर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, ये दाएं आलिंद है ये बाएं आलिंद है, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में जो पट है उसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं। यह इन दोनों के अंदर भरे हुए रुधिर को मिलने नहीं देता है।
अगली बात करते हैं कि अंतरालिंद पट के नीचे एक गड्ढा स्थित होता है। ध्यान दीजिए, अंतरालिंद पट के नीचे एक गड्ढा स्थित होता है जिसे फोसावलिस कहते हैं। ध्यान देना इसको कि अंतरा ये जो पट है इसके नीचे गड्ढा स्थित होगा जिसे क्या कहेंगे, फोसावलिस कहते हैं। आगे बात करते हैं दाएं आलिंद में। देखो दाएं आलिंद यहां पर है, ये दाएं आलिंद है। दाएं आलिंद में दो महासिराएं आके खुलती हैं, अग्र महासिरा और पश्चिम महासिरा। ध्यान देना, संपूर्ण शरीर से महासिराएं आ रही हैं, ये महासिराएं हैं और आके कहां खुल रही हैं, दाएं आलिंद के अंदर। तो दो आती हैं, एक अग्र भाग से एक पश्चिम भाग से। ठीक है, तो ध्यान देना कि दाएं आलिंद में दो महासिराएं आकर खुलती हैं, अग्र व पश्चिम महासिराएं। इनके खुलने के स्थान पर एक तरफा कपाट स्थित होता है और ये जहां पर खुलेंगी, ये यहां खुलेंगी दाएं आलिंद में, और जहां पर ये खुलेंगी वहां पर एक कपाट स्थित होगा और उस कपाट को यूस्टेकियन कपाट कहते हैं। ध्यान देना, एक तरफा कपाट स्थित होता है जिसे यूस्टेकियन कपाट कहते हैं, जो पश्चिम सिरा पर होता है। आगे बात करते हैं दाएं आलिंद में अग्र सिरा के खुलने वाले स्थान पर एक पेशीय गुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ऐसे नोड कहते हैं। देखिए मैंने यहां पर महासिरा बनाई है, ये महासिरा है जो दाएं आलिंद में आके खुल रही है। और ये देखो, ये तो मैंने अग्र सिरा, अग्र है, अग्र महासिरा, और इसके नीचे हम यहां बना देते हैं पश्चिम महासिरा, जो यहां दिखानी पड़ेगी हमें, ये पश्चिम है। तो अग्र महासिरा जो है, ध्यान देना कि अग्र जो महासिरा है उसमें कोई कपाट नहीं होगा, आगे वाली पे, पश्चिम वाली पे कपाट होगा, अग्र वाली पे ऐसे नोड होगा जो हृदय की स्पंदन में गति निर्धारक का कार्य करता है। देखिए आगे, दाएं आलिंद में अग्र सिरा के खुलने वाले स्थान पर एक पेशीय घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ऐसे नोड कहते हैं। अब जहां पर ये अग्र सिरा यहां पर है, तो यहां पर जो एक घुंडी नुमा संरचना होगी उस घुंडी नुमा संरचना को ऐसे नोड कहते हैं, उस घुंडी नुमा संरचना को ऐसे नोड कहते हैं। देखो मैंने दोनों महासिराएं एक में ही दिखा दी हैं समझाने के लिए, और पश्चिम महासिरा जहां खुलेगी वहां पर क्या होगा, यूस्टेकियन कपाट होगा, जबकि अग्र सिरा पर क्या होगा, ऐसे नोड होगा। मैंने दोनों एक में दिखा दी है, घुंडी नुमा संरचना जिसे ऐसे नोड कहते हैं। अब ये ऐसे नोड करेगा क्या, ऐसे नोड जो है हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है, हृदय में गति उत्पन्न करता है ये, और ऐसे नोड को हृदय का गति निर्धारक या पेसमेकर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, दाएं आलिंद की बात हो गई, अब बाएं आलिंद की हम बात करेंगे। तो बाएं आलिंद दाएं आलिंद की तुलना में छोटा होता है। देखो दाएं आलिंद बड़ा होगा, बाएं आलिंद छोटा होगा। तो बाएं आलिंद दाएं आलिंद की तुलना में छोटा होता है जिसमें दो जोड़ी फुफ्फुसीय सिराएं आकर खुलती हैं। यहां पर भी दो जोड़ी फुफ्फुसीय सिराएं आकर खुलेंगी। इनके खुलने के स्थान पर कोई कपाट नहीं पाया जाता, जबकि दाएं आलिंद पर जो सिराएं आके खुल रही थी उनके खुलने के स्थान पर कपाट स्थित थे, अग्र सिरा पर भी और पश्चिम सिरा पर भी। अग्र सिरा पर ऐसे नोड था जो गति निर्धारक का कार्य कर रहा था, पश्चिम सिरा पर कौन सा था, यूस्टेकियन, जो वापस रुधिर को सिराओं में नहीं जाने दे रहा था। तो देखिए भाई, ये आलिंद जो बायां आलिंद है दाएं आलिंद की तुलना में छोटा होता है जिसमें दो जोड़ी फुफ्फुसीय सिराएं आकर खुलती हैं। इनके खुलने के स्थान पर कोई कपाट नहीं स्थित होता। बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा पहुंचता है। ध्यान देना, ये बायां आलिंद है। अब देखिए, दाया आलिंद से अशुद्ध रुधिर दाया नीले में गया, दाया नीले से फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों के अंदर सीओटो को निकाल कर उसमें ऑटो मिक्स कर दिया, उत्कीर्ण हो गया। अब फेफड़ों से फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा रुधिर बाएं आलिंद में पहुंच जाता है और बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से संपूर्ण शरीर में। अब हमने कहा था कि दाएं आलिंद व बाएं आलिंद के बीच में जो पट था वो अंतरा आलिंद पट था, उसी प्रकार दाएं नीले व बाएं नीले के बीच में भी एक पट होगा जिसे क्या कहेंगे, अंतरा निलयी पट कहेंगे। ये अंतरा निलयी पट क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो रुधिर है उनको मिलने नहीं देता है। अब देखो दाएं आलिंद व दाएं नीले के बीच में जो ये वाला कपाट है,
जिसे रुधिर जा रहा है ये त्रिवलिने कपाट कहलाता है, और बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के बीच में जो कपाट है वो द्विवलन कपाट कहलाता है।